जय हिंद। कैसे हैं आप लोग, कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए, आज का क्लास है सिख धर्म और अंग्रेज के बारे में, यानी कि सिख और अंग्रेज के बारे में। सिख धर्म के कुल जो है 10 संस्थापक, 10 गुरु हुए हैं। आज जो है फुल डिटेल तो नहीं, लेकिन जितना हो सकेगा। सबसे पहले जो है गुरु नानक प्रथम थे, तो गुरु नानक के बारे में हम लोग पूर्ण सारी जानकारी जानेंगे। गुरु नानक के बारे में, गुरु नानक कौन थे, क्या थे और इन्होंने क्या किया। सबसे पहले गुरु नानक, सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक हुए, इनके बारे में जानते हैं। गुरु नानक के बारे में और भी बहुत सारे, जैसे में 10 गो गुरु हुए हैं सिख धर्म के, पूरे टोटल 10 गुरु हुए हैं, लेकिन सर्वप्रथम जो है गुरु नानक प्रथम थे, तो इसलिए जो है हम लोग गुरु नानक के बारे में जानेंगे। देखिए, गुरु नानक, सिख धर्म और अंग्रेज, सिख धर्म और अंग्रेज के बारे में जान रहे हैं, यानी कि अंग्रेज जो है, अंग्रेजी के समय में जो है सिख धर्म का जो है स्थापना हुआ था, सिख धर्म स्थापित हुआ था उस समय जो है। सिख धर्म के बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे, जो जिनके सिख धर्म के जो है प्रथम गुरु गुरु नानक हुए, और गुरु नानक के विषय में आज जानेंगे। द्वितीय गुरु जो है गुरु अर्जुन देव हुए, इसके बारे में हम बाद में बताएंगे, पहले बता दे रहे हैं आप लोग को गुरु नानक के बारे में। देखिए, गुरु नानक कौन थे। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक के द्वारा की गई थी। सिख धर्म की स्थापना जो है गुरु नानक के द्वारा किया गया था। सिख धर्म का स्थापना जो है गुरु नानक के द्वारा ही किया गया था। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में नानकाना तलवंडी में, जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है, नानकाना तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। इनका जन्म जो है, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में नानकाना तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। नानकाना तलवंडी जो है इस समय पाकिस्तान में पड़ता है, इसलिए जो है इनका जन्म पाकिस्तान में ही हुआ था, नानकाना तलवंडी। इनके पिता का नाम जो है मेहता कालू राम था। इनके पिता का नाम, गुरु नानक के पिता का नाम जो है मेहता कालू राम, गुरु नानक के पिता का नाम मेहता कालू राम, और माता का नाम तृप्ता देवी, माता का नाम तृप्ता देवी और पिता का नाम मेहता कालू राम, और पत्नी का नाम सुलक्षिणी था, पत्नी का नाम सुलक्षिणी था। यानी कि पिता के नाम मेहता कालू राम, पिता के नाम मेहता कालू राम, माता के नाम तृप्ता और पत्नी के नाम सुलक्षिणी था गुरु नानक के। गुरु नानक ज्ञान की प्राप्ति हेतु यत्र तत्र भटकते रहे। गुरु नानक जो है, यत्र तत्र संस्कृत शब्द है, यहाँ वहां। गुरु नानक जो है ज्ञान की प्राप्ति हेतु, गुरु नानक जो है शिक्षा की प्राप्ति, शिक्षा को अर्जन के लिए, शिक्षा की प्राप्ति के लिए जो है इधर उधर यत्र तत्र जो है भटकते रहे। उसके बाद में अंततः 1496 ईस्वी में, 1496 ईस्वी में गुरु नानक जो है ज्ञान की प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकते रहे, और बाद में जो है 1496 ईस्वी में, 1496 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक को ज्ञान की प्राप्ति हुई। गुरु नानक इधर उधर भटकते रहे ज्ञान की प्राप्ति के लिए, और बाद में जो है 1496 में, 1496 ईस्वी में जो है, 1496 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद गुरु नानक ने इस धर्म की स्थापना किया। ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो है गुरु नानक ने एक धर्म की स्थापना किया, जो धर्म सिख धर्म कहलाता है। वही धर्म, जिस धर्म को जो है सिख धर्म कहलाता है, वही धर्म का स्थापना जो है गुरु नानक ने किया है। सिख धर्म का स्थापना किसने किया है, गुरु नानक ने किया है सिख धर्म का स्थापना। यानी कि ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है 1496 ईस्वी में इनको ज्ञान प्राप्ति हुई कार्तिक पूर्णिमा के दिन, और कार्तिक पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्ति के बाद में जो है एक धर्म स्थापना किए थे, जिनका जो धर्म था सिख धर्म, और सिख धर्म यही सिख धर्म अभी कहला रहा है, चल रहा है सिख धर्म है। सिख धर्म की प्रचार प्रसार हेतु गुरु नानक ने सिख धर्म की प्रचार प्रसार करने के लिए, ताकि सिख धर्म की बढ़ावा देने के लिए गुरु नानक ने एक व्यवस्था तैयार किया था, संगत पंगत व्यवस्था।
संगत पंगत व्यवस्था, संगत पंगत व्यवस्था, संगत पंगत व्यवस्था जो है गुरु नानक सिख धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक व्यवस्था लाए थे, संगत पंगत व्यवस्था। देखिए संगत पंगत व्यवस्था क्या है, संगत मतलब जो होता है धर्मशाला, संगत मतलब होता है धर्मशाला, और पंगत मतलब होता है लंगर या निशुल्क भोजनालय। यानी कि एक धर्मशाला खुलवाए थे, एक धर्म गुरु नानक के द्वारा एक धर्मशाला खुलवाया गया था जिसमें निशुल्क लोगों को फ्री में मुफ्त भोजन कराया जाता था। फ्री में मतलब एक दिन सप्ताह में एक दिन या दो दिन जो है भोजन निशुल्क कराया जाता था, ताकि लोग जो है भोजन करने के लिए जो है यहाँ पर आए, और जब भोजन यहाँ पर आकर करे तो लोगों में बातचीत हो और सिख धर्म की और भी ज्यादा प्रचार प्रसार बढ़ावा हो। इसलिए जो है गुरु नानक ने संगत पंगत की जो है शुरुआत की थी। संगत मतलब बता दिए धर्मशाला, और पंगत मतलब निशुल्क भोजनालय। गुरु नानक मुगल बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। गुरु नानक किसके समकालीन थे, परीक्षा में हरदम पूछा जाता है गुरु नानक किसके समकालीन थे, तो मुगल बादशाह बाबर और हुमायूं के जो है समकालीन थे। गुरु नानक जो है मुगल बादशाह बाबर और हुमायूं के समकालीन थे, क्योंकि इस समय जो है जब गुरु नानक सिख धर्म का स्थापना किए थे तो उस समय जो है यहाँ पर मुगल बादशाह बाबर और हुमायूं का शासन था, इसलिए जो है इसका समकालीन थे। सिख धर्म की प्रचार प्रसार करते हुए गुरु नानक का निधन 1539 ईस्वी में करतारपुर में हो गया। सिख धर्म का स्थापना किए और सिख धर्म का बढ़ावा भी दिए, और उसके बाद जो है इनका 1539 में जो है करतारपुर में इनका निधन हो गया गुरु नानक का। देखिए आज गुरु नानक के विषय में बस इतना ही है। सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक हुए, जिनका जो है शासन जो अपना जो है शासन चलाए 1469 से 1539 तक जो है ये सिख धर्म के प्रथम गुरु बने रहे। उसके बाद में जो है द्वितीय गुरु, सिख धर्म के द्वितीय गुरु जो है गुरु अंगद देव, तृतीय गुरु गुरु अर्जुन गुरु अमरदास, चौथे गुरु जो है गुरु रामदास, पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव, छठा गुरु 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 हर गोविंद, और सातवां गुरु हर राय, आठवां गुरु हर किशन, नौवां गुरु तेग बहादुर, और दसवां गुरु गोविंद सिंह। और इनका शासन काल जो है नीचे दिया हुआ है, इनका शासन नहीं यानी कि ये जो कब से कब तक, मानिए एक प्रकार की शासन ही जो है इनका, कब से कब तक जो है किए हैं नीचे लिख दिए हैं। देखिए अभी गुरु गोविंद सिंह के बारे में, गुरु नानक के बारे में हम जो है संपूर्ण बातें बताए हैं, गुरु नानक के बारे में संपूर्ण बातें बताए हैं। कल से जो है यानी कि कल चलेगा गुरु अंगद देव, परसों चलेगा जो है आपका गुरु अमरदास, यानी कि लगातार क्लास होते रहेगा। आज गुरु नानक के विषय में इतना ही था, और गुरु अर्जुन देव के बारे में और भी बहुत सारा जानकारी है, गुरु अंगद देव के बारे में इससे भी ज्यादा, यानी कि सबके बारे में जो है बहुत सारा जानकारी है, जो है हम अगले अगले करके एक एक क्लास जो है करते रहेंगे, यानी कि अगले अगले क्लास में। आज गुरु गुरु नानक के बारे में इतना ही है, बस इतना ही आज के क्लास रहने देते हैं। जय हिंद।